बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो सच है, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वही तो बता रही हूँ। एंड जब कभी एनसीबी के पास से बुलावा आएगा मैं जाऊँगी एनसीबी के पास, और जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ अनुभव किया है, वो सारी बातें रखूँगी उनके सामने। यदि वो चाहते हैं कि मैं नाम लेकर बताऊँ तो मैं नाम लेकर बताऊँगी। किनका किनका नाम जैसे आप लेना चाहेंगी, नहीं, जैसे अगर आप कुछ, अगर ये आप सब तो मैं एनसीबी को बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके सामने बैठकर ऑफिशियल बयान देना वो सही काम होगा, यानी वो बेहतर होगा। इससे यहाँ पर बैठकर मीडिया के सामने यदि मैं कुछ नाम लूँ तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए सनसनी खबर बन जाए वो, बट उसके बाद कोई एक्शन ना ले। तो जब कोई एजेंसी मुझे बुलाएगी, कहेगी आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या जानती हैं, तब मैं खुलकर उनसे बात करना चाहूँगी। एंड मैं देखो, मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड स्वच्छ बने। बॉलीवुड बहुत 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 ज़्यादा बदनाम हो चुका है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये बदनाम बॉलीवुड स्वच्छ बने। और स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस एनसीबी के साथ कोऑपरेट करो, बताओ उनको जो जो आप जानते हो, बताओ अगर आपने किया है, सेवन किया है नशीली पदार्थों का, खुलकर बोलो कि हाँ किया है, और बताओ उनके नाम बताओ जो नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं, जो किंग पिन्स हैं, जो डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, बताओ सबके नाम बताओ, ताकि एनसीबी इन सब को बुलाए, जांच करे, एंड एक एक करके सारे लोगों के नकाब हटाए एनसीबी। अभी जो शराफत का नकाब पहनकर सब घूम रहे हैं ना, शराफत का नकाब हटना चाहिए ताकि असलियत बाहर आनी चाहिए, तभी तो स्वच्छ होगा ना बॉलीवुड, वरना स्वच्छ कैसे होगा? सब बोलेंगे नहीं हम तो नहीं लेते, हम तो नहीं लेते, लेकिन व्हाट्सएप हिस्ट्री बता रहा है कि नहीं आप लेते हैं। व्हाट्सएप हिस्ट्री आपके फेवर में बात नहीं कर रहा है, तो अगर आप लेते हो सच सच बोलो कि हाँ हम लेते हैं, एंड कोऑपरेट कोऑपरेट विद द लॉ, कोऑपरेट विद एनसीबी। जब जब उनसे पूछा गया कि बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको डिनर का प्रस्ताव रखा आपके सामने, मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने पिछले साल ये बताया था कि क्वान के जो फाउंडर हैं अनिर्बन, उन्होंने अपने ऑफिस पर बुलाया और मैं गई उनसे मिलने। मैं देखो ये सोच कर गई थी कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, ये सोच कर गई थी कि वो एक जेन्युइन टैलेंट मैनेजर हैं, एक रिस्पेक्टफुल इंसान होंगे, लेकिन वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बहुत ही घटिया बात रखी मेरे सामने, पूछा कि अच्छा आपके ब्रेस्ट रियल हैं या नहीं। ये बात आप, ये जो बातें आप कह रही जी हैं कि आपके ब्रेस्ट रियल है या नहीं, तो ये जी तो टोटली मतलब आपको एक कंप्लेंट करनी चाहिए नहीं, पुलिस मैंने को, उसी या टाइम उनसे आपको कहा कि शर्म आनी चाहिए, आप पिंप हो, आप दर्जी हो, कौन हो आप, मेरे ब्रेस्ट रियल हैं नहीं है, मेरा कप साइज क्या है, व्हाट इज दिस, इन सवालों का मेरे करियर के साथ या मेरे फ्यूचर के साथ क्या ताल्लुक है? तो नहीं, आप बुरा मान रहे हो। मैंने कहा ये बुरा मानने ऐसे वाली लोगों बात है। के खिलाफ आपका कंप्लेन, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ शर्लिन जी को स्टैंड नो, लेना तो चाहिए, एक ऐसे इन्हें ऐसे जेल कई के लोग हैं पीछे, मेरे लिस्ट में, कई लोग तो ऐसे हैं। सारे लोगों को नहीं जेल के पीछे जाना तो चाहिए आज। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि किन किन के खिलाफ मैं कंप्लेन करूँ, किन किन के खिलाफ मैं जाकर शिकायत दर्ज करूँ। इंडस्ट्री में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ मतलब तो इस तरह के घिनौने सवाल रखते हैं सामने, आपका ब्रेस्ट साइज क्या है, ये रियल है या फेक है, अबे चूजे तू कौन है, तू टैलेंट मैनेजर है, दर्जी है, पिंप है, पहले ये तो क्लियर कर दे। मुझे बोलते हैं आई एम इन एन ओपन मैरिज, तो इसका मतलब क्या है? नो, मतलब मैं और मेरी बीवी हम माइंड नहीं करते, तो मैं क्या करूं? यानी क्यों मुझे ये सब बता रहे हो? क्या तुमने ये सब बताया दीपिका पादुकोण को? उनको जब बुलाते हो ऑफिस पर, जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हो, हाँ, तब ये सारी बातें रखते हो उनके सामने, बोलते हो उनसे कि मैडम आपका ब्रेस्ट साइज क्या है, कप साइज क्या है, हाँ, उनके साथ इस तरह की बातें नहीं करते, हम हमारे साथ क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि हम स्ट्रगलर हैं और आप किंग मेकर या क्वीन मेकर हैं? तो आई सेड शर्म करो,